गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो विषय है वो है सर्वोदय विज्ञान। एस्ट्रोलॉजर के लिए तो ये मस्ट है और जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती उनके लिए भी बहुत बढ़िया। सर्वोदय विज्ञान का थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। भगवान शिव द्वारा पार्वती जी को ये दिया गया था, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर को कैसे बेनिफिट कर सकता है, वो धरती पे कहीं पे भी बैठा हो, कोई प्रश्न करे तो क्या उसका उत्तर वो दे सकता है, क्या ऐसी स्थिति में है वो उत्तर देने की स्थिति में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस चीज पर अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे ना, मेहनत का मतलब है सिर्फ 5 मिनट समझने के हैं, अगर समझ आ गया आपकी मास्टरी आ गई, हार्डली 5 मिनट चाहिए इसको समझने के लिए। बात क्लियर। हमारा जो राइट नोस्ट्रिल का स्वर होता है उसको बोलते हैं सूर्य स्वर, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है, ठीक है। उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इजी वे में समझाना चाहिए, ठीक है। राइट नोस्ट्रिल से जो स्वर निकलता है, सांस निकलता है, उसको बोलते हैं सूर्य। लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब श्वास निकलता है उसको बोलते हैं चंद्र स्वर। क्लियर। छोटी सी बात थी, ये आपको पता लगे। कोई पूछे जी मेरे को कैसे पता लगेगा, आप सांस लीजिए और ऐसे हाथ करके छोड़िए, आपको स्किन पर पता लग जाएगा। बात क्लियर। श्वास इस समय कौन सा चल रहा है। अब जैसे मैं छोटी छोटी चीजों से बताऊंगा, देखिए डेमो मैं सभी को प्यार से ये कहता हूँ। डेमो का मतलब है आपका और मेरा एक इंट्रैक्शन होता है। क्लास में जब आते हैं तो मैं जो बता रहा होता हूँ उसका मल्टीपल टाइम्स में देता हूँ, ये मेरी एक आदत सी है। तो अब मान लीजिए किसी को खाना ही नहीं हजम होता, वो कहता है जी मेरा पेट हमेशा खराब रहता है, तो भैया एक काम कर, लेफ्ट साइड से लेट जाओ, राइट नोस्ट्रिल से आपका जब ब्रीथिंग चालू हो जाए, ब्रीथिंग का मतलब पूर्ण स्वर होना चाहिए। पूर्ण स्वर का मतलब क्या होता है कि राइट नोस्ट्रिल से स्वर निकल रहा है, जा रहा है, लेकिन लेफ्ट में से नहीं निकल रहा और जा रहा, इसको बोलते हैं पूर्ण स्वर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपने स्वर बदला यानी आप लेफ्ट में लेटे और राइट नोस्ट्रिल से स्वर निकला, जब ये पूर्ण हो जाए यानी लेफ्ट से बिल्कुल भी सांस इन और आउट नहीं हो रहा हो, अब आप खाना खाइए तुरंत हजम, बात खत्म, सिंपल, ठीक। अब क्या है कि मान लीजिए एक इसकी एक ये साधारण विधि है जो सबसे आसान है। दूसरी विधि है कि लेफ्ट को बंद कर लीजिए, राइट से 10 बार इन और आउट करिए तो राइट चल पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने देखा इसमें ज्यादा ताकत मत लगाओ, इसमें जब मैं कोर्स में आगे बताऊंगा काल विधि होती है, इस काल में यही स्वर चलेगा, ठीक है। तो वो चीज होती है आप लेफ्ट लेट के करेंगे तो वो पूर्ण में जल्दी बदल जाएगा। अब आपको सर्दी बहुत लग रही है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग स्टार्ट कर दीजिए, आपको सर्दी नहीं लगेगी, सिंपल। आपको गर्मी बहुत लग रही है, राइट नोस्ट्रिल का ब्रीथिंग बंद कर दीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल की ब्रीथिंग स्टार्ट कर दीजिए, आपको बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। आपको हाई बीपी इस समय महसूस कर रहा है, कोई आदमी हाई बीपी में महसूस करता है, कुछ नहीं करना बाबा, राइट साइड में लेट जाओ, लेफ्ट साइड का नोस्ट्रिल में से ब्रीथिंग स्टार्ट कर दो, योर बीपी विल बी लो डाउन, सिंपल। आप इतनी दवाइयां खा रहे हो, इजी वे, इसमें मैं बहुत कुछ कराने का प्रयास करूंगा। बात क्लियर है। हम लोग पूरे दिन में 21,600 सांस लेते हैं, हमारी उम्र नहीं होती है, हम सांस लिखवा कर आए हैं, हमारी एज नहीं होती है, वो तो एज हम गणना करते हैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए घर से बाहर जाना चाहते हैं, किसी शुभ कार्य के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर उस समय लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, लेफ्ट साइड की ब्रीथिंग चल रही है, तो पहले घर से लेफ्ट पैर ही निकालेंगे। मैं अभी आधी विधि सिखा रहा हूं, सूक्ष्म विधि में क्लास में बता दूंगा, इतनी विधि से भी कार्य काफी हद तक हो जाएगा, पर सूक्ष्म में से तो पूर्ण रूप से होगा। तो आपने लेफ्ट पैर निकाल के घर से बाहर जाइए, और जब आप घर में वापिस जब भी आए, प्रयास करिए कि मेरा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, तो घर आएंगे यू विल फील रिलैक्स इन योर माइंड। अगर आप लेफ्ट नोस्ट्रिल की ब्रीथिंग से घर में एंटर करेंगे, यू विल हैव लिटिल बिट स्ट्रेस इन योर माइंड, आपके माइंड में एक हल्का सा स्ट्रेस आएगा, ये पक्की बात मान लीजिए। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं तिथि के ऊपर। अब जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, ऐसी कृष्ण पक्ष की होती है, तो हमेशा हर
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चंद्रमा का स्वर चलेगा। सुबह उठते ही आप चेक कर लेंगे, अगर आपका लेफ्ट ब्रीथिंग चल रहा है तो आपका दिन ठीक है आज, नो टेंशन बाबा। आपके कार्य कुछ करने हैं तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और चेक करा जब आपने लेफ्ट वाला चल रहा है तो पहले बायां पैर धरती पर रखेंगे, डोंट पुट योर राइट फुटस्टेप ऑन द अर्थ, आपने बायां पैर ही करना है क्योंकि वो तिथि के अनुसार भी है, एक ये तिथि का है। फिर आते हैं हम लोग वार के ऊपर। अब जैसे चंद्रवार है, सोमवार होते हैं ना, बृहस्पतिवार सोमवार है, शुक्रवार सोमवार है, तो अगर आप मान लीजिए बृहस्पति को सुबह उठे और लेफ्ट नोस्ट्रिल का स्वर चल रहा है, द डे इज वेरी गुड फॉर यू, क्लियर। अब आता है विषम स्वर यानी सूर्य स्वर, अगर आपका दिन संडे है, ट्यूसडे है, ठीक है, ये मंगलवार आ गया तो ये पुरुषवार है, आपका अगर राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग हो रहा है तो आपके वो कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाता हूं, जिसको चाहिए अजमा के देख ले, गारंटी मेरी है, मेरी खुशी होगी मुझे कि आप मुझे लिखेंगे मेरे व्हाट्सएप पर। किसी बच्चे को पढ़ाई में वो कंफ्यूजन है, मान लीजिए आप भी कोई ज्योतिष की बुक पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड लेट जाइए, राइट नोस्ट्रिल को आने दीजिए, जैसे राइट नोस्ट्रिल का पूर्ण स्वर आ जाए अब आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए, फॉलो हो जाएगा। क्यों दिमाग का दही कर रहे हो, इतना सिंपल सी बात है, आपको आ गया वो सब्जेक्ट समझ आ गया। आप बच्चों को कह सकते हैं, बच्चे को बोलो बेटा कौन सा चल रहा है, मम्मा लेफ्ट चल रहा है, तो राइट चलवा दीजिए, बच्चे को बोलो अब पढ़ते, जैसे ही वो पढ़ेगा उसको चीज जल्दी समझ में आएगी, उसका टाइम फैक्टर कम लगेगा। चंद्र स्वर में आपको कोई सब्जेक्ट समझना है तो उसमें मान लीजिए घंटा लग रहा है, लेकिन अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको आधा घंटा भी मैक्सिमम है, ये बता रहा हूं मैं आपको, जल्दी फॉलो हो जाएगा चीज, आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर जाएंगे, बात क्लियर। अच्छा एक और अच्छी चीज बताता हूं आपका, आप सब लोग दान पुण्य तो करते होंगे, ठीक है, अब आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, ठीक है, अगर आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है का मतलब बार बार याद रखें पूर्ण स्वर, पूर्ण का मतलब है राइट साइड से हल्का हल्का भी कई बार चलता है, लेफ्ट से चल रहा है और राइट साइड से भी हल्का हल्का चल रहा होता है, हल्का नहीं चले, बिल्कुल भी नहीं चल रहा हो राइट साइड में और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपकी ब्रीथिंग पूर्ण है, तब आप कोई चीज दान करेंगे उसका फल करोड़ गुना मिलेगा, ये डिफरेंस है। दान आप कर रहे हैं दैट इज गुड, लेकिन अगर उस समय चंद्रमा का पूर्ण स्वर चल पड़ा तो आप द्वारा किया हुआ दान करोड़ गुना आगे चलेगा। पहले उस वस्तु को लेफ्ट हैंड में पकड़े, लेफ्ट हैंड से राइट पे होते हुए फिर आप दान करें, लेफ्ट से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, कुटोगे तो राइट पे ले लो, ये आपकी बुद्धि विवेक की बात है, तो उस समय करोड़ गुना आपको फायदा मिलेगा, बात क्लियर। अब आप मान लीजिए कोई आदमी नोट्स बना रहा था, या मान लीजिए कोई आदमी बुक बना रहा था, यह मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा था, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या एग्जाम देने के लिए बैठा है, एग्जामिनेशन हॉल में गया, वहां बैठ के उसको लिखना चालू करना है, टेलिंग कि अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल चला दे, क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रिल में चले हुए स्वर में आपके द्वारा लिखा हुआ कोई बुक भी लिखी होगी नेम एंड फेम दिला देगा, बात क्लियर, कितनी सिंपल बात है, यू विल गेट नेम एंड फेम बाबा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारे डीप टेक्निक क्लास में मैं दे दूंगा आपको, इसमें तत्व भी होते हैं, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश तत्व भी होते हैं, तत्वों का भी ज्ञान करूंगा। अब मान लीजिए आपके दोनों नोस्ट्रिल में स्वर चल रहे हैं और किसी ने आपसे प्रश्न पूछ लिया, जी मेरे बेटे की शादी होगी, टेलीम पूजा कर लो आप जरा, यानी जब दोनों नोस्ट्रिल में स्वर चल रहे होते हैं उस समय किसी भी का प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते आप, देंगे आपको फायर करेगा, आपको जो आपने इंटरप्रिटेशन दी है वो फलित नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, जब दोनों नोस्ट्रिल चल रहे हों उस समय खाया हुआ अन्न
आपको हजम ही नहीं होगा, बात ही खत्म ना, वो अनडाइजेशन कर जाएगा आपको। कितनी अच्छी हेल्थ टेक्निक्स हैं हमारी, इजी वे टू असेस है, ठीक है। तो ये चीज है। अब मान लीजिए, मैं छोटी सी एक और बात बताता हूं कि आपका जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा था, बात क्लियर, आपके पास कोई फीमेल आई, ठीक है, उसने कहा जी मेरी बेटी की शादी हो जाएगी क्या इस साल या नहीं होगी, और वो आके आपके लेफ्ट साइड में ही बैठ गई, यानी वो लेफ्ट साइड में आकर उसने प्रश्न किया, तब आप आंख बंद करके कह दें हाँ हो जाएगी, क्योंकि फीमेल इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, भगवान अर्धनारीश्वर शिव को समझें, उनके लेफ्ट साइड में पार्वती जी हैं, जिसको ज्यादा समझना है वो नेपाल जाके समझ ले, ठीक है। तो एक ये हुआ। दूसरा क्या है कि आपने जब उत्तर देना है, अब इसमें एक सूक्ष्म चीज यहां गिफ्ट कर रहा हूं, बेहतरीन, आपने कहा हो जाएगी, लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं ना हो जाएगी, उस समय अगर आप सांस छोड़ रहे हैं नहीं होगी, जब आपने आंसर तब देना है जब यू आर टेकिंग इन ब्रीथ, आप सांस अंदर लेते हुए आंसर दें, अगर सांस छोड़ते हुए दिया, वही भगवान श्री राम ने पत्थर फेंक रहे थे सारे, तो राम जी को भी हुआ कि मैं भी पत्थर डाल दूं पानी में, तो वो तो डूब गया, तो उसी तरह जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका उत्तर भी डूब जाएगा भैया। तो जब भी किसी को उत्तर दें तो सांस इनटेक करते हुए दें, बात क्लियर। अब इसी चीज को हम वाइस वर्सा कर देते हैं। मान लीजिए कोई आता है आपके पास, कोई फीमेल आई है आपके पास, और उसने क्वेश्चन पूछा जी मेरी बेटी की शादी होगी, आपका चल रहा था राइट नॉस्ट्रिल, क्या चल रहा था राइट नॉस्ट्रिल, और वो फीमेल लेफ्ट में आके बैठ गई, यानी बंद वाले नॉस्ट्रिल वाली साइड में बैठ गई, आंसर नो है, सॉरी, क्लियर है। अब मान लो जेंट्स को ही आ गया, आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा था, ही मेड अ क्वेश्चन टू यू, मेक अ रिक्वेस्ट टू यू कि साहब मेरा बेटा जो है इस साल वो नौकरी लग जाएगी क्या, जॉब लग जाएगी, और आपके वो राइट साइड में ही बैठा, राइट साइड से ही उसका क्वेश्चन आया, हाँ जी लग जाएगी, आप बैठे हुए हैं, आपके पीठ पीछे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि क्या ये मेरा काम होगा, कुछ नहीं होगा भैया, तेरा भगवान ही मालिक है। जिस तरह राशियों में पृष्ठोदय राशि होती है ना, पीछे की तरफ, पीछे से क्वेश्चन है उसका उत्तर नहीं होता, उसका उत्तर ना है, सीधी बात आप समझ लीजिए, कोई विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज अच्छी सी बताता हूं, आप करिए, प्रैक्टिस करिए क्लास के अंदर, और अच्छे से डीप बताऊंगा, मंत्र अभी रिवील कर रहा हूं, जीवम रक्ष, जीवम रक्ष, जब भी वस्त्र पहने ये बोले हमेशा, जीवम रक्ष, जीवम रक्ष, आपकी रक्षा हो हमेशा, कब आप वस्त्र पहन के बाहर तो जाएंगे ना कहीं पे भी, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, बाकी इसका जो मेन सूक्ष्म पार्ट है वो मैं बताऊंगा, जीवम रक्ष बोलते हुए आप वस्त्र धारण करें, सिंपल सी बात है, ठीक। उसके बाद क्या आता है कि आपको पुत्र रत्न चाहिए, तो मेल की क्या ब्रीथिंग हो, फीमेल की क्या ब्रीथिंग हो, अगर दोनों का सुषुम्ना स्वर चल रहा है, मेल एंड फीमेल ने मीटिंग कर ली, तो मिस कैरेज की संभावना बहुत ज्यादा हो गई, पहली बात तो शायद कंसीव ही ना हो, अगर हुआ तो मिस कैरेज पक्का होगा, समझ रहे हैं आप, कितनी अच्छी विद्या है ये, मेरा बड़ा मन था इसके ऊपर कोर्स बनाने का, छोटा सा कोर्स मैंने बनाया है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, फिर उससे क्या होता है, रोग का भी प्रश्न आता है, साहब मेरा बीमार हूं मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर मैं बीमार हूं मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है, दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथिंग चल रही है, तो रोग अभी चलेगा, रोग नहीं ठीक होने का, आराम से रोग ठीक होने में काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन क्या है कि जैसे मान लीजिए, एक और टिप्स दे रहा हूं उसके बाद मैं अनम्यूट कर रहा हूं, क्योंकि ये इसका लंबा चौड़ा है नहीं, कोर्स भी छोटा है, कि मान लीजिए किसी ने ये कहा कि साहब
मेरे पुत्र रतन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और वो आदमी जो आया है वो आपके बाएं स्वर में बैठा है, पुरुष है, लेफ्ट साइड में बैठा है, और प्रश्न मेल वाला कर रहा है, और लेफ्ट ब्रीथिंग भी चल रही है, तो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी लेकिन संभावनाएं कम है, क्योंकि पुरुष तत्व का उसका प्रश्न है और स्वर आपका स्त्री तत्व का, स्वर आपका स्त्री तत्व का, ये समझ लीजिए। इन चीजों में बड़ी आसानी है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा आसान सा है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा डिटेल के अंदर। यहाँ तो एक आपसे इंटरेक्शन है, क्योंकि ये इसका डेमो भी छोटा रहेगा, इसलिए मैंने ये रखा, छोटे छोटे पॉइंट से मैंने बता दिए, ठीक है। क्लास स्टार्ट होगी मंडे को 7 बजे, ठीक है। मैं 1 मिनट यहाँ पे स्क्रीन पर बता देता हूं, क्लास स्टार्ट होगी मंडे को 7 बजे, 7 PM पर, 1 आवर का होगा, 7 to 8 PM रहेगा क्लास। ट्यूसडे होगा और वेडनेसडे होगा, 3 दिन क्लास रहेगा, ठीक है। ये 3 डे का कोर्स है और इसका फीस है 905 ओनली। अब आपको किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, मेरे को थोड़ा सा हल्का सा बताना था, मैं फिर बता रहा हूं। मंडे को क्लास स्टार्ट होगी 7 PM और 3 दिन का क्लास रहेगा, 8 PM तक रहेगी, 3 डेज इसका क्लास है और 905 इसका फी है, और क्लास डिटेल में चलेगी, पर्सनल अटेंशन ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पर्सनल अटेंशन कंफर्म मैं कर रहा हूँ, सबको मिलेगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। हाँ जी बोलिए, किसी का कोई प्रश्न है। एक अच्छी और टेक्निक दे देता हूं, मान लो आप हल्का सा बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, ठीक है, ये भी एक गिफ्ट दे रहा हूं, क्लास में भी पढ़ाने चलो, यहाँ पे भी ले लो। तो आपका जब आप आपको लगा मेरे को फीवर हो रहा है, हो गया, उसी समय जैसे ही आपको ये पता लगा जोन सा नोस्ट्रिल चल रहा था उसको पलट दो, इमीडिएट पलट दो, राइट चल रहा था तो लेफ्ट पे आ जाओ, लेफ्ट चल रहा था तो राइट पे आ जाओ। ऐसा अगर 2-3 बारी आप कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि फीवर नीचे चला गया, आप रोग में जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। फिर दवाई कैसे लेनी है वो भी सिखाऊंगा, इनटेक कैसी होगी, तो ये सारी चीजें मैं क्लास के अंदर आपको अच्छे से कराऊंगा। हाँ जी बोलिए विष्णु कुमार जी। हाँ जी सर, अनम्यूट करिए अपने आप को, विष्णु जी अनम्यूट करिए, जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी बोले, अनम्यूट करिए सर, कोई अनम्यूट कर ही नहीं रहा अपने आपको, ये मेरे यहाँ से कमांड गई हुई है। हेलो, हाँ नहीं हाँ अनम्यूट बोलिए, हो रहा हाँ है सर। हाँ बोलिए, अब आ रही है आवाज। हाँ जी हेलो सर, अनम्यूट करिए, दिनेश मेहता जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूट हैं। हाँ जी बोलिए, आपका सर आवाज नहीं आ रहा, आपका हेलो साउंड नहीं आ रहा सर, साउंड में दिक्कत है। हाँ हेलो, जी अब बोलिए, आप आ रहा है साउंड। एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे, इसको भी सिखाएंगे सर? समझा नहीं क्या कह रहे हैं सर, समझा नहीं सर, बोलिए ना दोबारा। हेलो, अब हाँ जी बोले, आवाज हाँ आ रही है सर? बिल्कुल साफ आ रही है, एलिमेंट को बोलिए। कैसे पहचानेंगे, इसकी जानकारी देंगे सर क्लास में? क्या किसको क्या पहचानेंगे? हाँ एलिमेंट, एलिमेंट अग्नि जल पंच वो तो क्लास में सिखाऊंगा ना सर, अग्नि जल जी वायु पृथ्वी आकाश तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यही वो जी जी डायमंड है इस कोर्स का, जी वो जी सर। क्लास में प्रॉपरली सिखाऊंगा और आपसे उसी समय करवा भी लूंगा साहब, अच्छा, ठीक है, थैंक यू एक सर कल ये पढ़ाया जाएगा, आप ये आइटम साथ में लेकर बैठिए जी। और आप चेक करके मुझे बताइए, अच्छा ठीक है सर, साथ के साथ बताया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और बोलिए सर जी जी सर, थैंक यू सर। जी। हाँ जी विष्णु जी, आपने हैंड रेस किया, कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। हाँ सर, आवाज आ रही सर?
हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। अच्छा सर, जैसे मेरे को किसी ने पहले कभी बताया था यही ईश्वर विद्या का, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम किसी के पास में अपने किसी काम से जा रहे हो और वो अगर नहीं मान रहा है तो तुम उसको राइट नोस्टल पे चले जाओ तो मान जाएगा। सर मैं वही सिखाऊंगा, इसके अंदर एक और टेक्निक है वो भी सिखा दूंगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉक। जो भी ज्वाइन करे मुझे रिकलेक्ट करा देना, मैं ये टेक्निक भी शेयर कर दूंगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक। क्लॉक और एंटी क्लॉक, ओके सर, वो भी मैं सिखा दूंगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है वो, 2 मिनट लगते हैं उसमें समझाने में। हाँ जी, राजीव एस जैन जी पूछिए, क्या प्रश्न है भगवान? अनम्यूट करिए, म्यूट कर रखा है सर आपने। सॉरी सॉरी, अब ठीक है सर। हाँ जी, बोलिए 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 सर। सर ये जैसे अभी जो वेबिनार चल रहा है, मेरे को अपने एक दो फ्रेंड्स को एक और वो कन्वे करना था ये वाला, तो मेरे को नहीं, तो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा पर्सनल पर, तो आप कन्वे कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। बेहतरीन टेक्निक सिखाऊंगा, ये तो हल्का फुल्का मैंने बता दिया आपको। नहीं, उसको भी थोड़ा आइडिया देना था इन चीजों का सारा, तो हाँ, मिल जाएगा। मैं सारी चीज बताऊंगा कैसे, इसमें तत्व सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तत्व सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार बता रहा हूँ। अब वो भेज दीजिएगा, दैट विल बी परफेक्ट। मेरे को काम लेना है तो क्या करना है, और किसी से काम निकलवाना है तो क्या करना है, दो मीनिंग है। किसी से काम निकलवाना है और किसी से काम करवाना है, करवाना है अलग है। तो वो स्वर विद्या, ये एक सेकंड लगेगा। जैसे अभी मैंने आपको बीमारी का बताया, अन्न जल का बताया, जब भी आप पानी पीजिए आपको पानी शरीर में शक्ति प्रदान करेगा। जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा हो तब आप चाय कॉफी पानी लीजिए, 100% हजम, 100% हजम। बात क्लियर है? और एक और चीज, थोड़ा सा मैं विधि अपना आयुर्वेद भी इसमें बीच बीच में बता दूंगा, जो मेरे कंठस्थ बुद्धि में, जबकि वो इस कोर्स का विषय नहीं है। एक टिप यहीं पे बताता हूँ, आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद इमीडिएटली मूव फॉर यूरिन पास आउट, उसी समय यूरिन पास आउट करिए, चाहे 2 बूंद करना पड़े। उससे क्या होगा कि जब भी आप खाना खाते हैं बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन अंदर ही रह जाता है। जब आप यूरिन पास आउट कर देंगे वो केमिकल रिएक्शन बाहर हो जाएगा। सिंपल, इसमें कहीं बुद्धि नहीं लगाई हमने, क्या बात है। टेक्निक मिल जाती है अच्छी से, आपको बता दी, आप करके देख लेना। 2 दिन में मंडे क्लास है, आप ये सारी चीजें करके देखिए, मुझे बताइए कि मेरे को क्या फर्क आया बॉडी में। मैं तो यहां तक कह रहा हूँ साहब, आप मंडे शेयर कीजिए तो ठीक है सर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द वेबिनार क्लास ऑफ दिस। हाँ जी विक्रांत जी, आपका कोई प्रश्न है? क्लास में पूछेंगे। मेरे ये पूछना था ना, आपने कहा ना कि कोई काम बनता है नहीं बनता, आप सपोज आदमी सामने नहीं है तो भी हम इस टेक्निक यूज कर सकते हैं? नहीं, तब नहीं होगी, जा तक सामने होना चाहिए। हाँ, किसी को फोन करना है वो फोन करने की विधि बताऊंगा। वो विधि बता दूंगा फोन करने समय, आप उसको फोन कर रहे हैं रिस्पॉन्ड आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है सर? बारीकी दूंगा सर, आप तो मेरे साथ क्लास कर चुके हो उसकी तो चिंता करो ही मत, आप मेरे तो 10 गुना ज्यादा देना है। ठीक है, आप हमेशा देते हो। चलिए, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद 9:05 में मेरी जो है रेमेडी की क्लास होगी, मैं इसमें भी लिंक भेज दूंगा, जो इंटरेस्टेड हो वो रेमेडी की क्लास अटेंड कर सकते हैं। प्लीज सर, प्लीज सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू।